व्हाट्स अप एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अब हम कवर करने वाले हैं हमारे एंड से सभी न्यूमेरिकल के फार्मूलाज कि पूरे मैक्रो में ऐसे कौन-कौन से फार्मूलाज हैं और हमने कवर कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं तो बड़े ध्यान से इसको साथ-साथ एक बार देख लो रिवीजन ले लो कि ये सब फार्मूलाज आपने देख लिया है नहीं देख लिए और सब कवर हो गया है या नहीं हो गया है चलिए लेट्स बिगिन तो शुरू करते हैं हम लोग अपने सारे फॉर्मूलाज के साथ सबसे पहले नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में जो सबसे पहला आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो सर्कुलर फ्लो में आपके पास ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल उससे नहीं आता चैप्टर नंबर टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं चैप्टर नंबर टू है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें से भी ऐसा कुछ नहीं चैप्टर नंबर थ्री है आपके पास एग्रीगेट्स अब यहाँ से आपके पास नोमेरिकल शुरू हो जाता है तो एग्रीगेट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने एग्रीगेट्स होते हैं आठ एग्रीगेट्स होते हैं ये आठ एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं ये आठ एग्रीमेंट्स एक दो तीन चार एग्रीमेंट बोल रहा हूँ आठ एग्रीगेट इन चार चीजों से बनते हैं ठीक है पहली प्लेस पर क्या क्या आता है या तो ग्रॉस आता है या नेट आता है यहाँ पे या तो डोमेस्टिक आता है या नेशनल आता है यहाँ पे हमारे पास होता है पी यानी कि प्रोडक्ट उसके बाद यहाँ पे या तो फैक्टर कॉस्ट आता है और या फिर मार्केट प्राइस आता है तो इधर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस ठीक है ये आपको पता होना चाहिए अब हमारे पास जो एग्रीगेट्स बनते हैं वो आठ बनते हैं जी डी पी एट एम पी जी डी पी एट एफ सी जी एन पी एट एम पी GNP at FC. देखो जी वाले ले लिए सारे मैंने अब एन की बात कर लेते हैं एनडीपीएटी एन डी पी एट एफ सी एन एन पी एट एम पी एन एन पी एट एफ सी लो ये हम लोगों ने नेट वाले ले लिए तो ग्रॉस भी हो गया नेट भी हो गया ये आपके पास बेसिक सारी चीजें आ जाती हैं अब इसके अंदर जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखना है ग्रॉस और नेट अगर ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीसी नेट से ग्रॉस पे आना है तो प्लस डेप्रीसीशन ये आपको पता होना चाहिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल की तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो प्लस एन एफ आई ए नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस एन एफ आई ए के कुछ दूसरे नाम भी होते हैं जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ठीक है एनएफआईए की बात करें अगर हम तो एन हमारे पास होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ये पता होना चाहिए फीफा माइनस फीटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फुल फॉर्म्स लिख के आना ठीक है

नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट होता है हमारे पास चैप्टर नंबर फोर दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आपको पता होगा कि तीन तरीके से नेशनल इनकम एस्टिमेट करी जाती है कौन कौन से तीन तरीके हैं सबसे पहला होता है वैल्यू एडिड मेथड किसी को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं फिर होता है इनकम मेथड फिर होता है एक्सपेंडिचर मेथड ठीक है तो वैल्यू एडिट मैथड इनकम मैथड एक्सपेंडिचर मैथड की अगर हम बात करें सबसे पहले हम वैल्यू एडिट की बात करते हैं वैल्यू एडिट मैथड से आपके पास एट आता है इनकम मेथड से आपके पास एट एनडीपीएटसी आता है एक्सपेंडिचर मैथड से भी आपके पास जी डी पी एट एम पी आता है इसके बाद यहां से वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो ऊपर वाले फॉर्मूला लगा के आप वहां पहुंच सकते हो ठीक है यहाँ पे जी डी पी एट एम पी पे कैसे पहुंचते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है सर याद करो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ठीक है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कई बार ऐसा होगा बच्चों अगर आपको डायरेक्ट सेल ना लिख के डोमेस्टिक सेल लिखा हुआ अगर सेल लिखा हुआ तो वो फाइनल है बट अगर सेल ना लिख के ऐसा लिखा हुआ डोमेस्टिक सेल तो याद रखना डोमेस्टिक सेल में आप क्या जोड़ोगे एक्सपोर्ट्स जोड़ोगे तो वो आपकी सेल्स निकल के आएगी ठीक है डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट्स जोड़ दोगे और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक निकलता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इसका याद रखेंगे ठीक है जी इंटरमीडिएट कंजम्पशन या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से होगा या फिर ऐसा लिखा होगा परचेज ऑफ मशीनरी सॉरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अब इसमें आप नोट करो परचेज of machinery will be ignored. Purchase of machinery आप ignore करोगे क्योंकि वो intermediate नहीं final good है Final good है तो वो यहाँ पर consider नहीं होगा इस बात का ध्यान रखना ठीक है इसके बाद एक चीज़ और याद रखो goods used for self consumption will be पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर लिखा हुआ गुड्स फॉर सेल्फ कंजन सेल्फ कंजन का भी हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट बनेगा भैया प्रोडक्शन तो हुई है ना बेचा और कुछ अपने घर ले गया तो प्रोडक्शन तो हुआ ना हम प्रोडक्शन देख रहे हैं तो वो उसका पार्ट बनेगा तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना इलेक्ट्रिसिटी uh, या पावर चार्जेज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या पावर चार्जेस ऐसा लिखा होगा विल बी पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजन इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो किसका पार्ट बनेगा इंटरमीडिएट कंजन का पार्ट बनेगा तो आपको ये याद रखना है ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है परफेक्ट है ओके okay. अब कई बार क्या होता है बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली नहीं दिया होता इंटरमीडिएट कंजम्प्शन में ऐसा लिया होता है डोमेस्टिक परचेजेस डोमेस्टिक परचेजेज तो वहां पे आपको क्या करना होगा डोमेस्टिक्लस इम्पोर्ट राइट तो देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो आपको इसमें मिस आउट नहीं करनी है वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया जी पूरा बढ़िया तरीके से सारा का सारा आपको पता होना चाहिए ओके चलो अब चलते हैं इनकम मेथड पे चलते हैं इनकम मेथड क्या है सर इनकम मेथड इनकम मेथड से आपको मिलेगा एनडीपी एफ सी और ये एनडीपी एफ सी कैसे मिलेगा एनडीपी एफ सी आपको पांच चीजें ऐड करके मिलेगा सर कौन सी पांच चीजें मैंने याद कराया आपको प्राइम है ना प्रॉफिट रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट मिक्सड इनकम और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज शन ऑफ एंप्लॉइज ठीक है जी तो प्रॉफिट रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट मिक्स इनकम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहले प्रॉफिट में याद रखो याद कर लो डॉक्टर कॉर्पोरेट प्रॉफिट को मैं क्या बोलता हूं डॉक्टर कॉरपोरेट डी का मतलब क्या है डिविडेंड आर का मतलब क्या है रिटेन अर्निंग्स रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स तो है ही तो प्रॉफिट अगर सीधा सीधा नहीं दिया हुआ तो डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स को जोड़ लेना ठीक है डिविडेंड रेंट एंड रॉयल्टी एज इट इज आता है इंटरेस्ट एज इट इज आता है मिक्स इनकम एज इट इज आता है सीओ के पार्ट होते हैं वेज एंड सैलरीज इन कैश वेज एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन याद रखना बेटा एम्प्लॉयर्स नॉट एम्प्लॉयज कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉज देगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ठीक है अच्छा अब सर कई बार क्या होगा आपको ये तीन चीजें ना एक अलग नाम से दी होंगी एग्जाम में तीन चीजें किस नाम से दी होती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ठीक है परफेक्ट है तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है ये आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस होता है तीन चीज़ों का मिक्सचर दैट इज रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स परफेक्ट हो गया ये आपको पता होना चाहिए इन सबको ऐड करके हम कहाँ पहुँच जाते हैं इन सबको ऐड करके हम पहुँच जाते हैं एनडीपी एट एफ पे यहाँ से फिर आप कहीं भी जा सकते हो वो ग्रॉस और नेट वाले फॉर्मूलाज लगा के ओके okay, डन चलो सर अब हम चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे एक्सपेंडिचर मेथड में बेटा जी आपको मिलता है जी डी पी एट एम पी और जी डी पी एम पी मिलता है चार चीजों को जोड़ के सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा सीधा आएगा कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स ये एलिमेंट ध्यान से देखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अब कई बार आपको क्या करेगा बेटा ये ना सीधा नहीं देगा या तो आपको दे देगा वो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ठीक है ये दो तरीके का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलता है कई बार फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इस बात का ध्यान रखना ठीक है अगर कहीं पे भी ऐसा दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इस शब्द का याद रखना तो फिक्स्ड आते ही इसमें चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा ओके दूसरी बात कई बार ये ऐसे ग्रॉस की जगह नेट दे देगा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो पहले आप इसे नेट से ग्रॉस पे कन्वर्ट करना नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हो सोचो प्लस डेप्रीसिएशन तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक पे आ गए फिर फिक्स्ड में जोड़ना पड़ेगा तो आपको ये एलिमेंट मिलेगा राइट right? इसका ध्यान रखना नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में इसमें गलती मत करके आना ठीक है जी इसके बाद बेटा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है रियल जी डी पी नॉमिनल जी डी पी उसमें प्राइस इंडेक्स क्या होता है हमारे पास प्राइस इंडेक्स होता है हमारे पास नॉमिनल अपॉन रियल इंटू हंड्रेड ठीक है और इसी को हम कई बार ऐसे बोलते हैं जी डी पी डिफलेटर जी डी पी एट करंट प्राइजेस करंट प्राइजेस हम नॉमिनल को बोलते हैं एंड जी डी पी एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस कॉन्स्टेंट प्राइजेस हम रियल को ही बोलते हैं इनटू हंड्रेड ठीक है अब ये जो नॉमिनल है ये कैसे कैलकुलेट होता है यानी करंट प्राइस आज का प्राइस आज का क्वांटिटी रियल कैसे निकलता है पिछला प्राइस लेकिन आज की क्वांटिटी ये याद रखना ये फॉर्मुला है इनको बिल्कुल मत भूलना प्राइस इंडेक्स बोल दे या जीडीपी डी फिल्टर बोल दे आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अपॉन रियल इंटू हंड्रेड ओके सही है कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन देगा कि प्राइस इंडेक्स और यहां पे बोलेगा जो बेस इज इक्वल टू हंड्रेड और प्राइस इंडेक्स की वैल्यू बताएगा डेढ़ सौ तो इस बेस का क्या करना है बेस का कुछ नहीं करना जस्ट इग्नोर ठीक है ये वैसे ही दिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? साथ में आपको जी डी पी इज पंद्रह हजार तो रियल बताओ ऐसे पूछ सकता है तो आपको सिंपली यहां पे वैल्यू पुट करनी होगी कि प्राइस इंडेक्स डेढ़ सौ है नॉमिनल पंद्रह हजार है रियल इनटू ये सीधा सीधा चल जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे रियल इज इक्वल टू पंद्रह हजार अपॉन डेढ़ सौ इंटू हंड्रेड सो इंटू सो दस हजार आ गया ठीक है ऐसे आपको ये सॉल्व कर देना है तो ये हमारे पास नेशनल इनकम में बस ये फॉर्मूलाज थे जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा सकता है आपसे सब पता होना चाहिए आपको देन मनी बैंकिंग में चलते हैं मनी एंड बैंकिंग मनी बैंकिंग में बेटा मनी में बस एम वन याद रखना करेंसी एंड विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद डिपॉजिटी पूरा लिख के आना करेंसी एंड विद विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक करशियल विध आर बी आई राइट बैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछ सकता है मल्टीप्लायर सीधा सीधा वन अपॉन एल आर आर इससे अगर न्यूमेरिकल देगा तो आप सीधा सॉल्व कर लेना ठीक है उसके बाद हम लोग ये बोल देते हैं कि जो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला है वो क्या है इनिशियल डिपॉजिट इन मल्टीप्लायर तो इस तरीके के आपसे मनी एंड बैंकिंग से न्यूमेरिकल पूछ सकता है मैक्सिमम एडीएस पे चलते हैं एडी एंड एस की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला formula, जो फॉर्मूलाज की शुरुआत होती है वो कहां से शुरू होती है एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस के साथ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं एपीसी C upon Y, ए पी एस एस अपॉन वाई इसको हम वन माइनस ए पी एस भी बोलते हैं इसको हम वन माइनस ए पी सी भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद तीसरे नंबर पे एम पी सी चौथे पे एम पी एस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई वन माइनस एम पी एस या फिर वन माइनस एम पी सी ऐसे भी कैलकुलेट हो सकता है ये क्यों कैलकुलेट हो जाता है ऐसे क्योंकि ए पी सी प्लस एपीएस वन होता है एम पी सी प्लस एम पी एस भी वन होता है ए पी सी एपीएस वन होता है एमपीसी एम पी एस भी वन होता है ठीक है उसके बाद क्या आएगा नंबर सेवन आपके पास ये हो गया हमारा कंप्लीट उसके बाद ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इक्वेलिपरियम पे एस इज इक्वल टू वाई ये आपके काफी काम आएगा ओके okay. ये आपके काफी काम आएगा उसके बाद एट हो तो गया नाइन्थ अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस वी वाई जहां पे C बार का क्या मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पन B होता है एम पी सी वाई होता है इनकम इस पे क्वेश्चन 100 परसेंट आएगा तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना अगर एडीएस के न्यूमेरिकल करने हो तो मेरा एक डेढ़ घंटे का वीडियो है वन आर ट्वेंटी थ्री मिनट्स का वन शॉट एडीएस न्यूमेरिकल्स मस्ट डू है वो बिल्कुल करके जाना तुम्हारा एडीएस का न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा ये मेरा प्रॉमिस है ये वीडियो छोड़ के मत जाना करके जाना अगर एडीएस के न्यूमेरिकल करने हैं तो ठीक है उसके बाद नंबर टेंथ एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई सेविंग का ये होता है माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी वाई वन माइनस बी का मतलब क्या है वन माइनस एम पी सी वाई इज इनकम और माइनस सी का बार का मतलब है बस नेगेटिव नेगेटिव सेविंग्स के बराबर होता है इसके बाद क्या आता है हमारे पास मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं वन अपॉन वन माइनस एम पी सी वन अपॉन एम पी एस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा न्यूमेरिकल वन मार्कर भी आ सकता है तो आपको तैयार होना चाहिए ये इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एम पी सी वन अपॉन एम पी एस या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ये आपको पता होना चाहिए तो ये हमारे पास वो फॉर्मूलाज हैं जो आपसे ए डी एस के न्यूमेरिकल्स में पूछ सकता है ओके okay, अब कई बार आपके पास ना न्यूमेरिकल में एक फार्मूला चलेगा वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई सर आप बोलोगे कि यार ये तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है बेटा इक्वेलिब्रियम पे s और i बराबर होता है ना तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और उसके बाद c की जगह आप लिख देना c बार प्लस बी वाई प्लस आई तो ये आपका इक्वेलिब्रियम में बहुत यूज आने वाले हैं ये दो फॉर्मूलाज हर न्यूमेरिकल में लगभग तो ये ध्यान से देख के जाना ओके okay. ये कब चलेगा इक्विलिब्रियम पे ये कब जब इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल आए क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एस और आई बराबर होते हैं ठीक है जी चलो ए डी एस के बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट में बच्चे आपको याद रखना है सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट याद रखना देन यू हैव फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स बिल्कुल एक्सक्लूड करके चलना और प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट फिजिकल डेफिसिट करंट ईयर का इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का ये भी बिल्कुल भी स्किप मत करना ठीक है गवर्नमेंट बजट से आपसे यही पूछ सकता है आ, इसके बाद हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज में ऐसा कुछ नहीं है बीओपी में ऐसा कुछ नहीं है बस मेनली आपके पास न्यूमेरिकल्स तो यहीं से बन सकते हैं तो सारे फॉर्मुलाज गाइज मैंने आपको आपको इस वीडियो में रिवाइज करा दिए इन केस आपको लगता है कोई और फॉर्मूला छूट गया या रह गया तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना आपस में बच्चे डिस्कस तो कर ही लेंगे किसी का मिस नहीं होगा ठीक है आई होप आपके फॉर्मुलाज रिवाइज हो गए होंगे मिलता हूं मैं आपको बहुत जल्द कुछ और वीडियो के साथ तब तक आप खूब पढ़ाई करो मन लगा के पढ़ाई करो और पेपर में फोड़ के आना थैंक यू सो मच